Viewers, we're live and breaking, and the first story we're tracking is coming from Rajasthan. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has sacked Rajendra Gudha as a minister in his government. This comes hours after he criticized the state government in the assembly over crimes against women. The statement was released by Raj Bhavan announcing the same. Mr. Gudha said that during the debate on the bill on minimal guaranteed income that the Congress government should pay attention to providing security to women in the state in view of atrocities against them having increased. He said in a court here, instead of raising the issue of Manipur, we should introspect about our own performance, viewers. Let's go ahead and play the reactions coming in. गई होगी, आपको बर्खास्त कर दिया है मंत्रिमंडल से, तो कोई सूचना या कोई पहली प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया तो इन्होंने जिस तरीके से हम लोगों ने इनका साथ दिया, हम पहले 6 मंत्री 6 विधायक थे और उस टाइम में हमने इनका साथ दिया। अब की बार पूरी तरह हमने इनका साथ दिया। उसके बाद में जिस तरीके से प्रदेश को ये लोग चला रहे हैं और इन्होंने वादा खिलाफी की हमारे साथ, उसके बाद में ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था मंत्री उस टाइम में, और आजम आजम जी ने कह के ज्वाइन करा दिया। राजेंद्र गुढ़ा जी, जिस तरीके से आपने सदन में आज बयान दिया और बयान देने के तुरंत बाद ही एक्शन ले लिया सरकार ने, आपको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, जबकि सरकार बचाने में आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो क्या ये समझ लिया जाए कि जब तक सरकार को आपसे काम लेना था तब तक ले लिया, उसके बाद में अब आपको हटा दिया? तो ये समझ लिया जाए कि दूध में से मक्खी की तरह जब तक यूज करना था तब तक किया और उसके बाद निकाल दिया। तो अभी आप अगर रिपब्लिक को कुछ बताना चाहें कि क्या आपकी कोई बातचीत किसी भी तरीके से बर्खास्तगी से पहले कोई फोन आया था आपको, या कोई फोन नहीं आया? किसी भी तरीके का कोई फोन नहीं आया? नहीं, कोई फोन नहीं आया। तो अब आप पार्टी से अलग भी हो चुके हैं, पार्टी ने बर्खास्त भी आपको कर दिया है, सरकार ने भी बर्खास्त कर दिया है, तो आपको सरकार को क्या कहना है कि ये सच बोलने की जो आज आपने हिमाकत की थी सदन में, उसी की सजा मिली है आपको? देखिए, सत्ताधारी पार्टी के विधायक जी बेल में जाके जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्ताधारी की पार्टी के मैंने मेरे 10 साल के विधानसभा का जो मेरा कार्यकाल रहा, मैं इसके अंदर 10 साल में कभी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को बेल में जाके मैंने प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। लेकिन आज आपने जिस तरीके से मणिपुर पर कहा था कि मणिपुर पर सवाल उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, और राजस्थान में महिला अत्याचारों में कमी नहीं आई है बल्कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ी है। तो आपने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया। 100% सही किया। मुझे हमारे राजस्थान में, हम पूरे हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में नंबर 1 है, और फिर हम बेल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी गिरफ्तार में डाल के देखना चाहिए। तो आगामी चुनाव में आप किसके साथ खड़े रहेंगे? क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय ही आप अपने इलाके से खड़े होंगे? कोई प्लान बनाया है या अभी एज इट इज जिस तरीके से बर्खास्तगी हुई है उसके बाद कुछ सभा करने का मन है आपका अपने ही लोगों के बीच में?